अब बात करेंगे, जैसे अब फल आ गया, प्रूनिंग की थी आपने 3 मई को की थी, ठीक है, 3 मई के बाद 4 मई को, 4 मई को की थी, फिर उसके बाद महीने भर सूट आए थे और उसके बाद फिर फ्लावरिंग आई और इसकी सेटिंग स्टार्ट होगी 1-2 जनवरी के आसपास स्टार्ट होगी। अब ये ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया जहां किसी ने कम खाद दी है, लेट खाद दी है, या कोई सिचुएशन रही, वहां अभी फूल दूसरी सिचुएशन में है जो बिल्कुल सेट हो रहा और मटर से दाने से भी नीचे है, और कहीं थोड़ा बढ़ के छोटे बेर के बराबर हो गया, कहीं बड़े बेर के बराबर हो गया, है ना, ये साइज दिख रहा है आपको या आमले के साइज के, है ना, तो इस तरह के टाइप की सिचुएशन हो रही है या कहीं इस टाइप का आ रहा है, तो ऐसी भी सिचुएशन हो रही है। अब पौधा तो आपने 2x2 मीटर पे लगाया हुआ है, ठीक है, इसकी अपनी एक कैपेसिटी है, तो बात आती है कि आपने पैदावार लेनी, अमरूद लेना, या मार्केट में अच्छा बिके उसके लिए लेना, तो अच्छा बिके वही बिकेगा जो अच्छा दिखे, और दिखे खाने के लिए अच्छा लगे, ग्राहक के लिए अच्छा लगे और स्वादिष्ट हो, साइज अच्छा हो, कलर अच्छा हो, मिठास अच्छी हो, ये सारे गुण होने चाहिए। तो उसके लिए अब इतनी फसल है तो कम से कम भी ये लग रहा होगा कि कम से कम 250-300-400 फ्रूट होगा इस पर, ठीक है ना, एक एक टाइम ले लो आप कितना फ्रूट है, हालांकि ड्रॉप हो रहा, तो ड्रॉप इसलिए हो रहा है वो और कारण है कि, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रूट सेटिंग हुई है, तो अच्छी फ्रूट सेटिंग हुई अगर इतनी रख देते हैं तो आपने देखना इसकी साइज जो है कहीं छोटा हो जाएगा, आमले के बराबर होगा और आम या आप थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इस फ्रूट पे जो वैरायटी है, मान लो ये ललित वैरायटी है, श्वेता वैरायटी है, ये जो अपनी वैरायटियाँ हैं इसकी, इनका साइज का अपनी एक लिमिटेशन है, ठीक है जी, ये 200 ग्राम 125 ग्राम 150 125 ग्राम इसके बीच में चलती है, इलाहाबाद सफेदा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये कितनी भी आप कोशिश करेंगे, लेकिन अगर इतनी क्रॉप रखेंगे तो उस साइज पे नहीं जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसकी छंटाई करनी है, किसकी करनी है, फलों की। अब क्यों करनी है, क्योंकि साइज बढ़ाना है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि पकड़ी टहनी और छंटाई कर दी या टहनी काट दी, अब पर एक टहनी के ऊपर कितना एक फल रखने और कौन सा फल रखना, इसका ज्ञान होना जरूरी है, और किस स्टेज पे करना, ऐसा नहीं है कि अभी बोला और आपने निकाल दिया और स्टेज है, मान लो ये स्टेज है आपकी, तो इस स्टेज पे अगर आप निकालने लग गए, हो सकता है जो सेटिंग हुई हो अभी मटर के दाने बराबर है, हो सकता है सेटिंग किसी कारण से अच्छे मौसम की वजह से हो गई या अच्छी खुराक की वजह से होगी, यह पौधा जो है दूसरे साल में अच्छी इसमें एनर्जी है उसकी वजह से होगी, तो वो उस तरह की परिस्थिति आप जो है भांपनी होती है, तो इस स्टेज पे हम थिनिंग नहीं करेंगे, छंटाई नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें आप, इससे छोटे पे नहीं करेंगे, हम किस पे करेंगे, जैसे आप इससे बड़े पे, ठीक है, जब ये हुआ, मान लो एक ही 5 फल आते हैं और 5 फल या 10 फल आते हैं, जैसे ये सिचुएशन आ रही है, ठीक है ना जी, आप देख रहे हैं ये है, इसका है ये है, तो ऐसी जैसी सिचुएशन जब बनती है वो थिनिंग की स्टेज है निकालने की, ठीक है, वहाँ आप निकालेंगे। अब हर टहनी पे इसमें ऑटोमेटिकली इस टाइम बरसात हो रही है, आप देख रहे हैं भाई, जैसे ये ड्रॉप करके फल गिर रहे हैं, मतलब छोटी छोटी स्टेज पे भी जैसे गिर रहे हैं, ठीक है ना, ये ऐसे फर्टिलाइज होके सेट हो गया था लेकिन आगे नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आगे नहीं पड़ेगा, ये नर्मदा के माध्यम से उससे नहीं आया हुआ, तो ये इस तरह के गिर जाएंगे, तो इस टाइप अगर कर दिए तो खाली भी हो सकता है आपका पौधा, तो स्टेज और फल की स्टेज देखना जरूरी है, ये बहुत विशेष ध्यान है, मतलब एक काम करना ऐसा है ना, पूरी मेहनत की है आपने और एक स्टेप अगर यहाँ से कहीं आप खिसक गए तो फिर गलत होगा, तो क्या करेंगे आप, अब मान लो ये टहनी है आपकी, है ना, इसी के ले लीजिए, अब इसमें देखिए आप, इस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फल हैं इस टहनी पे, अगर मान लो ये 8 ही रख दें हम, तो इस पे साइज नहीं आएगा, ठीक है, और ये लोड भी नहीं ले पाएगी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इसकी थिनिंग करनी है, लेकिन थिनिंग की स्टेज अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप करना क्या है, आपने मान लो ए है अभी यहाँ पर लेना, तो इसकी मैक्सिमम 4 फ्रूट बहुत है, 3 और 4 इस टहनी के साइज पे, अगर टहनी बड़ी होती तो हम 5 पे भी ले जाते इसको,
ठीक है, ये तीन मैक्सिमम तीन, और ऐसे पूरे जो तीन आते हैं इनमें एक, तो हर अगर डंठल पे इस पे जैसे है एक यहाँ रखते हैं हम, एक यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं, कितने हुए देखो, चार। अभी ये केवल हाथ लगा हाँ जी, और अभी ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप ठीक है। तो अगर मान लो आपने प्रूनिंग की और प्रूनिंग कर दी दूसरे की और सेट ने हुआ है, दूसरा दूसरा नहीं नहीं हुआ हुआ। और वो भी ड्रॉप कर गया, तो खाली हो जाएगी ट्रेन। ये बहुत विशेष ध्यान देना आपने थिनिंग के लिए, अगर नहीं पता लगे तो आप वीडियो कॉल से इसमें जुड़ सकते हैं दोबारा। तो इसमें जैसे आते हैं तो सिचुएशन जैसे बढ़िया है पौधा उसकी, तो इसमें जैसे यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है, ये निकाल दिया आपने, ये निकाल दिया, ये ठीक सही है, ठीक है। अब ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दिया। एक दो तीन, इनमें आप रखना चाहे तो रख लें, टहनी बड़ी अच्छी अच्छी टहनी है, तो इनमें रखना चाहे तो रख लें। अभी ये छोटा है, ये भी छोटा है, तो इसको सोचा नहीं जा सकता। अब इसमें होता है कि बार बार आपको फिर खेत में तो आना पड़ता है, तो आपको ध्यान है, और कैंची ली तो केवल मात्र पता होता है भाई यहाँ ग्रो की और ये छोटा था या बड़ा था पौधा, तो यहाँ मैंने छोड़े हुए। इससे फिर आपकी मार्केट में अच्छा फल जाएगा, अच्छे साइज का होगा, अच्छी मिठास का होगा, जैसे ये दोनों है तो अभी बड़ा हो गया, सेट हो गया, आपको जरूरत नहीं है इसको रखने की, ठीक है। अब यहाँ ये छोटा है, यहाँ अटैच करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अपने आ जाएंगे इस तरह से। देखिए आप, ये अपने आप ड्रॉप कर रहा हूँ, तो यहाँ है। अब ये साइज अपने आप सेट हो गया, दिख रहा है ना ये आपको, तो इसको दूसरे को आप निकाल देंगे। मैक्सिमम कोशिश आप करें कि जो सेंटर फ्रूट है उसको रखें, उसको रखें सेंटर फ्रूट, आप मेन रखें। अगर हम ये जून में करते तो हमने सेंटर फ्रूट निकालना था, साइड के रखने, क्योंकि लेट कर देनी क्रॉप, उससे फसल को भी आप लेट कर सकते हैं, तो एक जरूरी चीज है। अच्छा, इसी तरह से है, ये निकाल दिया आपने, ये निकाल दिया, सेट हो गया, बढ़िया सेट, ठीक है। तो इतना हाँ करना है इसमें, मतलब अपने हाथ की कोई ऐसे नहीं करना, इसमें भी यहाँ ये ठीक है सेट, ये इसका भी ठीक है, लेकिन ये छोटे हैं अभी, इनमें वेट कर सकते हैं आप, ये ठीक आ गया, तो इसको आप इसको निकाल सकते हैं। इनमें अभी देखने वाली बात है, हफ्ते के बाद इसमें दोबारा आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने आप, ऐसा नहीं कि खाली करें आप ट्रेनी को, ठीक है। तो ये आपका सेट हो गया, बढ़िया, तो जरूरत नहीं है आपको इसको दूसरे को रखने की, ठीक है। ये और ये अपने आप अगर सेट होता है, ये भी सेट हो रहा हो गया, बहुत अच्छा है। बढ़िया है इसमें कि एक हफ्ते के बाद आपने थिनिंग करनी इसकी, सबसे बढ़िया चीज। अब ए आगे हुए जैसे, हाँ जी, एक हफ्ते के बाद या 10-15 दिन, 10 दिन, 10 दिन के बाद आप थिनिंग के लिए आना, बड़े हो जाएंगे, हाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जो गिरने वो गिर जाएंगे, जो ड्रॉप हो जाए। अब ये जैसे साइज है, अब ये आपको 15 सितंबर के आसपास इसको या एंड जैसे में फ्रूट आ जाएगा। अब इसमें 15 सितंबर के आसपास क्या दिक्कत आती है, वो आती है फ्रूट फ्लाई वाली। अब जैसे आपको मैंने बताया कि ये कद्दू की घी है कि बेल है, अब ये बहुत है इसी पूरे ऑर्चर्ड के लिए, तो हटा देंगे, फिर ये ट्रैप जो आए हुए हैं ये लगेंगे ऑटोमेटिकली, इसमें मक्खी उसमें चले जाएगी, तो फिर आपको दिक्कत रहेगी। तो यहाँ क्या है कि जैसे आप ये देख रहे हैं आप तीन, ठीक है, तो यहाँ आप इसको निकाल सकते हैं, ये अब ये ठीक फुल साइज पे आना, आपने ऑब्जर्व करना है इसको, फुल साइज पे आएगा, ठीक है, ए ठीक है ना, ये अब इसी तरह से इसमें आइए आप। तो आप ये देखो जी, आप ये अभी छोटे हैं, ये छोटे हैं, तो इनमें केवल ये सेट हुआ है प्रॉपर, जो साइज है थिनिंग के लिए ए या इससे ऊपर का होना चाहिए, बस इतने मात्र। अब इन ये आपने बाद में देखा है दोनों, ठीक है ना, इसमें कितने हो गए थे टहनी पे, अगर ये रुकते हैं एक, ये दो, एक तीन, और इनमें से एक रखना आपने, और ये चार, इतनी सी टहनी में चार फ्रूट बहुत है। और 400 का मतलब अगर 200-250 ग्राम का फ्रूट है तो 1 किलो इतनी टहनी में बहुत, ठीक है। अगर आपके 25 टहनियाँ हैं तो 25 किलो फ्रूट आपका निकलता है, 25-30 टहनियाँ अगर आपके पास खड़ी हैं तो ये है। इतना मात्र एक काम करने की बात है इसमें, इससे सुपर ग्रेड का फ्रूट निकलेगा, अच्छी क्वालिटी का निकलेगा, इसकी एनर्जी नहीं वेस्ट होगी, और इससे जो रेट मिलेगा वो ए ग्रेड का मिलेगा। ये इतना सा काम केवल अब 10-1 दिन के
हफ्ते के बाद और 10 दिन के बीच में आपको ये करना है। इसके साथ ये जो ड्रॉप हो रहा है आपका फल, ये जो रहा है ये भी ड्रॉप हो जाने, हाँ ड्रॉप हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो इसमें एक तो ये कि आपका एक्सेस वाटर है, पानी ज्यादा है आपके, ठीक है। और यहाँ अगर आप निकालेंगे ना इसको, है ना, पानी ज्यादा, तो इस पानी का जो कारण है उससे न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं होते हैं और जड़ों में जो है वो एक सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है पानी, जब उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है तो उसको सांस लेने की समस्या आती है जड़ों को, तो ये रुक जाती है प्रति और फिर ये समस्या खड़ी हो जाती है, जो छोटा घूट है वो ड्रॉप, वो जो बनी थी ट्रेंच ना वो दब गई, वो दब गई ना, बनाई हुई जो बांडा ने वो दब गई। तो अगर अब थोड़ी एक दो बार से निकल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा ड्रेन करना, निकाल देना, हाँ निकल जाना।